नमस्कार दोस्तों, आज़ाद लाइक सर्चल में आपका स्वागत है और उम्मीद करता हूँ सभी भाई एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि अगर आपने एक सेटिंग कर दी तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है, केवल थंबनेल के लिए नहीं था, जो कि अगर आपने वो सेटिंग ऑन कर दिया, आप जाने अनजाने जैसे भी अगर वो सेटिंग ऑन कर देते हैं तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। चलिए वो जान लेते हैं कैसे बर्बाद हो सकती है। वो आपने वो डायलॉग नहीं सुना? डायलॉग याद आ गया वो मुझे, वो कपिल देव का, सॉरी सुनील ग्रेवर जो कपिल शर्मा के शो में करता था, मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया। तो ऐसे ही बर्बाद हो जाने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वो सेटिंग देख लेते हैं। आपको बताना चाहूँगा, गूगल का एक एप्लीकेशन जो कि लगभग सभी स्मार्टफोन्स में मिल जाती है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो आपके फ़ोन में नहीं है, तो ऐसा बहुत कम चांस है अगर आपका एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप देखेंगे ये फ़ोटोज़ नाम का जो एप्लीकेशन है, ये लगभग सभी फ़ोन में मिल जाता है। दोस्तों, इसमें क्या है कि जितने भी आपके फ़ोन की, इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि आप किस तरीके से किसी की भी फ़ोटोज़ ले सकते हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको ट्रिक नहीं, यहाँ पे आपको सिक्योर होने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से आप बच सकते हैं, आपकी कोई पर्सनल फ़ोटो जो आपके फ़ोन में है वो अपलोड हो जाती है ऑनलाइन, और वो फिर किसी को शेयर ना हो जाए, वो गलती से भी ना देख ले। फिर क्या होता है कि वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है अगर आपकी कोई पर्सनल फ़ोटोज़ हैं। समझ सकते हैं आप कैसी पर्सनल फ़ोटोज़ की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि कोई भी ब्लैकमेल करना तो आसानी है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों कि एक सेटिंग है जो कि आप कर देते हैं गलती से, वो क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। पर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन वीडियोस चाहते हैं जो कि इससे अपडेट रहें ऐसी सेटिंग से, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा। तो यहाँ पे हम जान लेते हैं दोस्तों क्या है। यहाँ पे थ्री डॉट्स पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे आप देख पाएंगे एक पार्टनर अकाउंट दे रखा है। तो यहाँ पे एक बार मैं अपना वाईफाई ऑन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, ये देख पा रहे हैं कि आपने जो भी अकाउंट जीमेल आईडी का सेट कर रखा है, उसमें आपकी जितनी भी फ़ोटोज़ हैं वो अपलोड होती रहती हैं। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, मैंने क्या है अपने डेबिट कार्ड का, जो कि आगे पीछे का दोनों का ही फ़ोटो खींच के रखा हुआ। अगर कोई चाहे तो बड़े आराम से मेरे अकाउंट का पैसा निकाल सकता है, क्योंकि इसमें CVV भी दिख रहा है जो सिक्योर पिन होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार की फ़ोटोज़ अगर शेयर हो जाती है गलती से भी, और यहाँ पे केवल एक ही सेटिंग पे वो शेयर होगी, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं चौथे नंबर पे ऐड पार्टनर अकाउंट शो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आपसे बोलता है गेट स्टार्टेड शेयर योर लाइब्रेरी, मतलब जितने भी फ़ोटोज़ मेरी ऑनलाइन अभी अपलोड हो रखी है मेरे ड्राइव में, फ़ोटोज़ गैलरी में, तो वो सभी एक अनदर आईडी के साथ में शेयर हो सकती है। यहाँ पे जो भी आप ईमेल आईडी यहाँ पे डाल के उसे अपडेट कर देंगे, वैसे ऑलरेडी यहाँ पे कुछ हैं, लेकिन इनमें से मैं किसी पे भी, मान लीजिए अपने किसी फ्रेंड की भी ईमेल आईडी आप ऐड कर देते हैं, तो केवल एक ईमेल आईडी ऐड करने के बाद में आपके फ्रेंड के पास रिक्वेस्ट जाएगी और वो एक्सेप्ट कर लेता है, तो आपकी जितनी भी फ़ोटोज़ हैं वो सभी देख पाएगा, और वो कैसी फ़ोटोज़ है वो आप जाने। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई भी पर्सनल फ़ोटोज़ ना शेयर हो, तो आप इस सेटिंग्स पे कभी भी ऑन मत करिएगा, और यहाँ कोई भी ईमेल आईडी ऐड नहीं करेंगे आप। दोस्तों, क्या फ़ायदा, आप बड़े लफड़े में पड़ जाए और किसी गलत बंदे के हाथ में वो फ़ोटोज़ पड़ जाए तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इस प्रकार की सेटिंग से अपडेट रहना, तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देंगे दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम आज़ाद के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।